के यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप जो देख पा रहे हैं जो एक हिरनी का पौधा है और बहुत अच्छा पौधा है, देखिए आप। और ये अभी इसमें फूल आ रहा है, आप देखिए, ये देख पा रहे हैं आप इसमें, ये देखिए, ये फ्लावरिंग हो रही है इसमें बहुत बढ़िया, भर भर के बहुत भयंकर फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, ये सब फ्लावरिंग हो रही है, ये भी आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आप, फ्लावरिंग हो रही है। और ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और आज 23 अक्टूबर 2023 है। और देखिए इसमें फ्लावरिंग, देखिए आप पूरे पूरे पौधे में, देखिए आप, आपको जहाँ भी मैं दिखाऊंगा वहाँ आपको इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग दिखाई देगी। देखिए आप, ये देखिए आप, ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है इसमें, आप देखिए, देख पा रहे होंगे पूरे पौधे में ही फ्लावरिंग हो रही है ज़बरदस्त। और लगभग 15 साल पुराना पौधा है ये, और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और इसमें अभी अप्रैल के महीने में खिरनी पकना शुरू हो जाएगा और उसके बाद भी आपको मैं इसका अपडेट दूंगा। देखिए आप, ये बहुत अच्छा पौधा है और कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है, मैं सभी जगह दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये देखिए, यह खिरनी का पौधा, इसके बीजू पौधे पर चीकू ग्राफ्टिंग की जाती है। और कोई भाई खिरनी लेना चाहता है या खिरनी का सीड लेना चाहता है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। ये देखिए आप, ये पूरे पौधे को और मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए, और इसकी लोकेशन की मैं बात करूँ तो ये कोटा राजस्थान में है। ये देखिए आप, इतने बहुत बढ़िया इसमें फ्लावरिंग हो रही है, पूरा पौधा है जिसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए आप, और मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ चारों तरफ से घुमा के, जितना बड़ा पौधा है सब सारे में फ्लावरिंग हो रही है ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया तरीके से। ये देखिए, उसके बाद इसमें अब फ्लावरिंग के बाद इसमें छोटे छोटे फल आना शुरू हो जाएंगे हरे रंग के, और उसके बाद वो लास्ट में जब पकते हैं तब पीले हो जाते हैं और खाने में मीठे लगते हैं और पौष्टिक और आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होते हैं। और विशेष रूप से इसका ही विशेष उपयोग है कि इसके जो बीजू पौधा होता है उस पर चीकू ग्राफ्टिंग की जाती है, जिससे कि चीकू का स्वाद बढ़ जाता है और उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है और उसका जीवनकाल भी बढ़ जाता है। अधिकांश नर्सरी वाले जो इसके फल का उपयोग है जो कि चीकू ग्राफ्टिंग के लिए करते हैं। और बाद आपको अगर चीकू के ग्राफ्टिंग के लिए अगर खिरनी का सीड्स या खिरनी का फल लेना है तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धन्यवाद साथियों, जय जवान जय किसान।